ओके ऊपर कोई आती आती चल रही। ये देख रहे, ये मैं गया हुआ अपने लोकल बार्बर के पास एंड ही इज लाइक दुनिया भर के लोग आपको देखेंगे और बोलेंगे वाह क्या हेयर स्टाइल है, मुझे भी बताना एड्रेस कहाँ से करा है। एड्रेस चाहिए तो मैं दे दूंगा अगर आपको अच्छा लगा तो, एंड लेट मी नो अगर वो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मैं कोई और टॉपिक पे ही बात करना चालू कर दिया हूँ। यू आर हियर फॉर हाउ एफिशिएंटली वी गाइस मी एंड माय वाइफ आर गोना गो ऑन वन बाइक शी इज गोना बी माय पिलियन, और हम कितने एफिशिएंटली अपने कपड़े लेके जाने वाले हैं बताता हूँ कैसे। सो दिस इज एवरीथिंग दैट वी आर कैरिंग टू आवर लद्दाख राइड। इतना अच्छा लग रहा है ना ये बार बार मुझे बोलने के लिए लद्दाख राइड बट इट्स गोना बी फन, इट्स गोना बी रियली रियली फन। चलो लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस, देखते हैं क्या क्या कैरी किया है अपन ने। लेट्स सी हम स्टार्ट करेंगे वापस कहाँ से चालू करूँ। दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं बताने वाला हूँ कि एक्चुअली हम लोग क्या क्या लेके जाते हैं। मैं मेघालय वाले राइड पे भी गया था, ऑलमोस्ट इतना ही सामान था, जबकि वो टाइम पे मैं सिर्फ अकेला था फिर भी इतना ही सामान हुआ था। बट दिस टाइम अराउंड वी आर ट्राइंग टू डू इट एज एफिशिएंट एज पॉसिबल बिकॉज मेघालय में आधे से अधिक चीज़ें मुझे काम ही नहीं आई थी। विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ योर टाइम चालू करते हैं अपने गियर से फर्स्ट ऑफ। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, राइडिंग जैकेट, ये शिल्पा का है, एक बालकलावा, ये उसका ग्लव्स, ये मेरा जैकेट, मेरा ग्लव्स, बालकलावा, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। राइडिंग शूज हमारे और हेलमेट, राइडिंग शूज को छोड़ के वी गॉट दी शूज एज वेल। अब ये शूज काम आएंगे हम लोगों के नॉर्मल जो ले सिटी मार्केट और कहाँ पे भी हम लोग इधर उधर जाने वाले रहेंगे, वी गॉना बी यूजिंग दिस शूज। दीज आर द थिंग्स जो हम लोग बेसिकली पहनने वाले हैं। सो नेक्स्ट अप इज आर बाइक एसेंशियल्स। ये मैंने रोलर मंगाया हुआ था ग्रैंड पिट स्टॉप से मेघालय वाले राइड में, ये मुझे बहुत बहुत काम आया बाइक ऊपर चढ़ाने के लिए और चेन स्प्रे और चेन लूप करने के लिए, बिकॉज मेरे में सेंटर स्टैंड नहीं है। तो फॉर अ सिंगल पर्सन टू डू इट इट बिकम्स थोड़ा डिफिकल्ट, लेकिन इसके थ्रू इजी हो जाता है। साथ में एक ब्रश भी है, वी गॉट अ चेन लूप, वी गॉट अ चेन क्लीन, वी गॉट अ टायर इन्फ्लेटर एज वेल MI का, ये बहुत ही काम की चीज़ है दोस्तों। बेसिकली इसको एक बार फुली चार्ज करो और ये पूरे ट्रिप में अगर कहाँ पे भी आपका हवा कम हुआ है बाइक का तो इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल, भर सकते हैं इमीडिएटली। MSIL लिया हुआ है जस्ट इन केस अगर कुछ भी टूटा फूटा है उसको बनाना रहेगा तो। जिप टाइज छोटे वाले हैं लेकिन बड़े वाले भी हमें लेने हैं, वो बड़े वाले भी ला के रख देंगे हम इस पर। एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, एक बंजी कॉर्ड आप वहाँ पे देख रहे हो, बंजी कॉर्ड बेसिकली और दो तीन हम कैरी करने वाले हैं बिकॉज एक टेल बैग पे भी हमारा बैग आने वाला है, तो एक बंजी कॉर्ड नहीं, एक दो तीन बंजी कॉर्ड और रहेगा। उसके साथ साथ में है ये एंटी फॉग स्प्रे, प्लस हम लोग ने हेलमेट के सैनिटाइजर का स्प्रे भी ऑर्डर किया है, वो प्रॉबेबली हम लोगों को मिलेगा बाय संडे। एंड प्लस एक पंचर किट भी लिया है, वैसे तो अपना ट्यूबलेस है और वैसे हमने उसमें फॉर्मूला एक्स डाल रखा है, फॉर्मूला एक्स सीलेंट है जो टायर पंचर होने से बचाता है, बट जस्ट इन केस अगर किधर पंचर हो भी गया वो पंचर हम खुद ही ठीक कर सकते हैं। सो दैट इज फॉर आर बाइक एसेंशियल्स फर्स्ट ऑफ। वी मूव ऑन टू आर नेक्स्ट सेक्शन विच इज दिस क्लोथिंग। सो बेसिकली क्लोथिंग में वी हैव केप्ट इट वेरी वेरी सिंपल। देखो आधे से ज्यादा टाइम तो हम ये राइडिंग गियर्स पे ही रहने वाले हैं, सो कपड़े ज्यादा कैरी करके कोई मतलब नहीं है। सो वॉट वी हैव डन इज शिल्पा के लिए दो फ्लीस जैकेट्स, मेरे लिए दो फ्लीस जैकेट्स, दो टी शर्ट्स, दैट्स इट। इतना काफ़ी है फॉर टॉप, एंड फॉर बॉटम वी गॉट टू ट्रैक पैंट्स मेरे लिए, टू ट्रैक पैंट्स शिल्पा के लिए, दैट इज इनफ। उसको छोड़ के बिकॉज सितंबर के टाइम पे जा रहे हैं तो रात के टाइम पे इट्स गोना बी रियली रियली कोल्ड, और मेरे ख्याल से राइड करते करते जैसे खारदुंगला हो गया, चांगला पास हो गया, प्रॉबेबली वहाँ पे ठंडी अच्छा खासा रहेगा, हानले साइड हो गया बिकॉज वो सारे काफ़ी हाई अल्टीट्यूड पे है। सो ये हमारे हो गए इनर लाइनर्स और थर्मल वेयर्स जो हमें राइडिंग के टाइम पे और रात को सोते समय काम आएंगे। दीज आर द सॉक्स दैट वी आर कैरिंग एंड दीज आर आर अंडरगार्मेंट्स। ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना इसके लिए एंड ऑफ द वीडियो तक रुको, मेरे बाय बोलने के बाद में मैं इसका एक प्रैक्टिकल यूज़ बताऊँगा बिकॉज इसकी वजह से काफ़ी स्पेस बचने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक क्विक ड्राई टॉवल लिया है, ये डीकैथलॉन में मिल जाता है आपका, और बालकलावर्स लिए हुए तीन बिकॉज आई कीप ऑन लूजिंग दैम। मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एटलीस्ट मेरे लिए, आप लोगों के लिए होगा नहीं होगा आई एम नॉट श्योर, डिपेंड्स, दैट इज माई कैमरा केयर। दीज आर द इक्विपमेंट्स दैट आई एम गोना कैरी। ऑब्वियसली आई एम शूटिंग विद अ GoPro Hero 9 राइट नाउ, वो ट्राइपॉड पे भी लगा हुआ है एंड आई एम यूजिंग माई बोया का माइक एज वेल,
सो वो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको. अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव गॉट माई GoPro Hero 8 एज वेल. आई होप आपने वो वीडियो देखा रहेगा जहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि 8 की बच चुकी है. इसमें बेसिकली सिर्फ माइक और स्पीकर ख़राब है. इट इज़ स्टिल यूजफुल फॉर मेकिंग सम टाइम लैप्सेस या फिर छोटे मोटे शॉर्ट्स या फिर कभी कभी GoPro Hero 9 का बैटरी ख़त्म हो गया तो आई यूज दिस बाई यूजिंग एन एक्सटर्नल माइक. तो वैसे भी ये काम आ ही जाएगा. सो आई एम गोना ऑब्वियसली टेक दिस एज वेल. वी गॉट आर इंस्टा 360 जिसको मैं काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर पा रहा हूँ और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है इसका एडिटिंग और ये सब करने में. इट इज़ अ लॉट ऑफ फन एंड ये जो प्रस्पेक्टिव देगा लद्दाख में इट इज़ गोइंग टू बी सुपर ऑसम. सो ये तो दो हमारे कैमरा हुए. आई हैव एक्चुअली ऑर्डर्ड GoPro Hero 9 का एक एक्स्ट्रा बैटरी एज वेल एज दिस मल्टीपोर्ट चार्जर एज वेल. ये हमारा ड्रोन है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको. देन वीव गॉट आर बुलेट टाइम स्टिक या फिर ट्राईपॉड इंस्टा के लिए, अलग अलग एक्सेसरीज बेसिकली. अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर वायर्स है जिससे मैं ये सारे चीज़ों को चार्ज करूँगा और उसको चार्ज करने के लिए सम फोटोनिक मेरे को नाम याद नहीं है, एक मिनट रुको. ओके एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, पर एनी वे इसका मैं अमेजोन का लिंक चाहिए तो मैं नीचे डाल दूंगा. इट इज़ वेरी यूजफुल. ये मैंने हर ट्रिप में मुझे बहुत काम आया है जहाँ पे भी मेरे को 3-4 दिन से ज़्यादा जाना पड़ा है. इट्स गॉट लाइक 6 पोर्ट्स ना, तो सब जगह ये पूरा चार्ज कर सकते हैं अपन, राइट. जैसे मैंने बताया वायर्स सब इन द. आई एम गोना बी कैरिंग माई लैपटॉप एज वेल प्लस अ हार्ड डिस्क एज वेल. आई गॉट 2 हार्ड डिस्क, सो ये एक रहेगा और दूसरा वाला मैंने कहाँ रखा हुआ है मेरे को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा है. सो 2 हार्ड डिस्क, ऑब्वियसली हम लोग डेटा इसमें भी सेव करेंगे, हार्ड डिस्क पे भी सेव करेंगे और दूसरा वाला हार्ड डिस्क है उसमें भी सेव करेंगे. बहुत ज़रूरी है भाई क्योंकि डेटा जाता है तो दिमाग ख़राब हो जाता है. सो ये जो बाली वाला जो पाउच है ये मेरी बीवी का है. इसके अंदर है मेरे OTG केबल्स, मेमोरी कार्ड, ब्ला ब्ला ब्ला, और ये एक टॉर्च कैरी कर रहे हैं, राइट, कभी इमरजेंसी में काम आएगा तो, राइट. सो ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक का सेक्शन डन. मूविंग ऑन टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आपके टॉयलेटरीज. ओके टॉयलेटरीज बोलेगा तो सिर्फ ये आपके टूथपेस्ट और ये सब नहीं हो गया कैरी करने के लिए. देर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट यू नीड टू मेक श्योर वेन यू गो टू सच एन एरिया के आपके पास ये सब होना बहुत ज़रूरी है. वी गॉट आवर टूथपेस्ट, फेस वॉश, ब्रश, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब हमने इसके अंदर रखा है जो बेसिक टॉयलेटरीज है. अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग एक मेडिकल किट टाइप्स कैरी कर रहे हैं. इसके अंदर जो दवाइयाँ आप देख रहे हो ये बेसिकली है आपके नौशिया, फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, स्टमक एक, फूड पॉइजनिंग, ऐसे अलग अलग हम लोग ने इसके अंदर दवाई डाली हुई है. प्लस ऑब्वियसली आपने बहुत जगह पे सुना रहेगा डायमॉक्स भी है, अगर हमें ज़रूरत पड़ा तो डायमॉक्स यूज़ करेंगे. अदरवाइज एक्लेमेटाइजेशन अच्छा हो गया तो आई डोंट थिंक सो डायमॉक्स लेने की ज़रूरत पड़ेगी. ओके अपार्ट फ्रॉम दैट ये ORS के पाउचेस भी हमने बहुत सारे कैरी किए हैं. ट्रस्ट मी ये रेडबुल और ये सबसे अच्छा आप ORS ले लो. इट इज़ द बेस्ट एनर्जाइजिंग ड्रिंक दैट यू कैन फाइंड. और बेसिक आपका सोफ्रामाइसिन हो गया, वॉलिट्रा हो गया. एक छोटा सा टिप, वॉली नी मत लेना कभी भी, वॉलिट्रा लेना, दिस इज मोर इफेक्टिव. एंड ट्रस्ट मी कोई भी बैक एक, शोल्डर एक, जो भी रहेगा बहुत ईजिली सॉल्व कर लेता है ये, राइट. देन वी गॉट योर कॉटन क्रेप बैंडेज, ये वाला पट्टी, और एक झंडू बाम पीड़ा हारी बाम, ये भी एक साथ में लेके चल रहे हैं. प्लस वी गॉट आर वेट पाइप्स, ये भी काफ़ी काम आएंगे. सो ये सारे हो गए. अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग खाने के लिए प्रोटीन बार्स थोड़े लेने वाले हैं जो कि अगेन मेरे मेघालय वाले राइड पे मुझे काफ़ी काम आया था. कहाँ पे भी भूख लग रही थी यार, एक प्रोटीन बार खोलो खा लो एंड दैट्स इट. ये सारे सामान हैं, ये जो भी सामान है वो जाएंगे हमारे राइनॉक्स के टैंक बैग में. ड्राई स्टैक राइनॉक्स का जो बैग जो आपको दिख रहा है वहां पे, एंड देयर इज दिस एक कोने में, रुको मैं आपको लेके जाके बताता हूँ. ओके सो ये 30 लीटर्स के बैग है, सैडल बैग्स ड्राई स्टैक के, और वो जाएगा हमारे बाइक के टेल पे बंजी कॉर्ड बांध के. बेस्ट पार्ट इज वो वेदर प्रूफ है, सो बरसात या फिर वो एक्स्ट्रा टारपोलिन बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऐसे भी बांध देंगे तो इट विल बी सुरक्षित. सो थम्स अप. ओके सो जो मैं बता रहा था मैं लास्ट में बताऊंगा, दिस वी हैव गॉट फ्रॉम डिकैथलॉन. इट इज
एन ऑल वेदर जैकेट, आई विल नॉट कॉल इट अ रेन जैकेट, इट इज एन ऑल वेदर जैकेट, और ये जैकेट सबसे ज़्यादा स्पेस कैरी करने वाला है मेरे बैग्स में. बट दिस इज अ मल्टी यूज जैकेट, राइट? इस जैकेट का काफ़ी अच्छा काम आने वाला है बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट फॉर योर रेन, बारिश में तो अच्छा खासा प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा. साथ में इसमें लगा हुआ है, तो मैं इसमें बता देता हूँ, इट्स गॉट अ फ्लीस जैकेट इन साइड विच कैन बी रिमूव, मेरे में निकला हुआ है, और इसमें इट्स गॉट अ जिपर, तो पास से बता रहा हूँ, इट्स गॉट अ जिपर लाइक दिस, राइट? सो जब ठंडी लगे तो जिपर लगा देना है, आपके जैकेट के ऊपर आ जाएगा एंड प्लस इसके ऊपर भी एक जैकेट आ जाएगा, तो ठंडी लगने का चांस ही नहीं है. और जब सिर्फ बारिश हो रहा है, ठंडी ज़्यादा नहीं है, तो यू कैन रिमूव दिस प्लीज, ये आपके बैग में डाल दो और एज अ रेन जैकेट इसको पहन दो. सो आई एम गेसिंग दिस इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑन आर पार्ट, होपफुली ये वैसे ही काम आ जाए, बिकॉज आई एम नॉट श्योर ये एकदम हैवी रेनफॉल में काम करेगा कि नहीं करेगा, मॉडरेट रेनफॉल में तो डेफिनेटली काम करेगा. Plus we got our rain pants. इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता ही है क्या करना है. सो दैट इज दैट. अपने अभी जितने भी लद्दाख के सीरीज वाले वीडियो आने वाले हैं वो सारे के सारे होंगे संडे 10 बजे. सो संडे बी रेडी फॉर आवर सिनेमैटिक लिटिल व्लॉग. जितना अच्छे से अच्छा लोकेशन है वो बताने का ट्राई करूंगा, एंड प्लस ऐसे ऐसे लोकेशन में जा रहे हैं हम जो प्रोबेबली व्लॉगर्स नहीं जाते हैं, या फिर एक नॉर्मल बंदे लोग जिनको एक्चुअली लेह लद्दाख के बारे में ज़्यादा नहीं पता है वो नहीं जाते हैं, बट वी आर गोइंग टू कवर दैट. सो इट्स गोइंग टू बी अ होल लॉट ऑफ फन. बहुत मजा आने वाला है, बहुत एडवेंचरस होने वाला है. सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल नोटिफिकेशन दबा के रखो, अपडेट्स आएगा आपको पता चल जाएगा. ओ बाय द वे, किसी को भी बहुत कम स्पेस में बहुत सारा लगेज कैरी करना है तो ये वीडियो उनके लिए है. सो गो अहेड एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल, लाइक इट एज वेल, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. आई एम गोना सी यू सून. बाय. वीडियो के एंड में वेलकम किया जाए मैडम का. ओके. सो ये कर रहे हैं हम, ये जो मैंने लास्ट में आपको वीडियो के लिए रुकने बोला है, दिस इज द स्टोरेज स्पेस सेवर और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, व्हाट इज इट कॉल्ड, वैक्यूम स्टोरेज बैग. सो ऑलरेडी इसमें कम से कम 7 से 8 कपड़ा डाल दिया है, एंड लुक एट हाउ स्मॉल दिस हैज बिकम. सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, हम लोग ये जैकेट को, ये जैकेट ही है ना, हाँ वो उसके अंदर का जैकेट, ओके, ये दोनों जैकेट को एंड प्लस इसको इसके अंदर डाल के बताएंगे, और बताएंगे आपको कि ये कितना छोटा होता है प्रैक्टिकली. सो आप देख सकते हो इतना मोटा हो चुका है ये, इसको श्रिंक करके लाना है इतने साइज पे. सो ऐसा एक जिपलॉक टाइप लग जाता है वहां पे, देयर यू गो, ये हो गया है वो लॉक. और आप देख रहे हो ये एक्चुअली खेल है हवे का, जितना भी अंदर हवा रहता है ना, नाउ दिस विल कंप्लीटली सक इट आउट. विजिबली आप देख सकते हो कि कितना छोटा हो गया, एंड इनफैक्ट इट बिकम्स वेरी इजी टू कैरी एज वेल. एंड सेकेंड चीज, पानी जाने का भी डर नहीं रहेगा. सो बेसिकली अगर समझो बैग के अंदर पानी घुस भी गया, एनीवे इट्स वाटर प्रूफ है, बट अगर घुस भी गया तो ये एक एडिशनल लेयर है प्रोटेक्ट करने के लिए. एंड लुक एट हाउ स्मॉल दिस हैज बिकम, यू कंपेयर इट विद दिस, दिस एंड आपके दो बैग रेडी. बस ये निकालने और डालने में थोड़ा तामझाम रहेगा, बट अगर स्पेस की बात करें तो ये सॉलिड अमाउंट ऑफ स्पेस सेव कर रहा है. All thanks to this lady, इनका suggestion है ये. Again, इसका भी link मैं description में डाल दूंगा, Amazon से लिया हुआ, right? Amazon का link है, मैं description में डाल दूंगा. Bye bye.